जय हिंद दोस्तों। यूं तो आपने जमीन के विवाद देखे और सुने होंगे, पर आज का जो मामला है वो 28 फलिस्तीनी परिवारों से जुड़ा हुआ है, जो देखते ही देखते दो देशों के बीच में जंग करा देता है और फलस्वरूप पूरी दुनिया की निगाहें उस पर पहुंच जाती है। आखिर ऐसा क्या है, इस पूरी बात को हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, सबसे पहले नक्शे में देखेंगे ना, तो ये है इसराइल और फलस्तीन का नक्शा। यहाँ पे है जेरूसलम, और जेरूसलम ना इसराइल में आता है ना ही फलस्तीन में आता है, ये आता है इंटरनेशनल कंट्रोल में, यूएन कंट्रोल में आता है। अब इसका जो विवाद है, इसकी जड़ को समझने के लिए थोड़ा सा हमको इतिहास में आना पड़ेगा। 18 सेंचुरी की बात है, यहाँ पूरा का पूरा ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था, जिसमें 87% आबादी मुस्लिम थी, 10% क्रिश्चियन और 3% ज्यूज। इस ऑटोमन साम्राज्य में आज का टर्की, इसराइल, पैलेस्टीन, मिडल ईस्ट के सारे कंट्रीज, सारे इसी ऑटोमन साम्राज्य में आया करते थे। अब सब कुछ सही चला था, पीसफुली लोग रह रहे थे। सन 1876 की बात है, दो ज्यूइश ट्रस्ट, कौन कौन से, अश्केनाजी और सेफार्डी, ये लोग जाते हैं पैलेस्टीन में और सऊदी अरब के जमींदारों से जमीन खरीदते हैं, और वो लोग बेच भी देते हैं। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो रुपया लेते हैं, जमीन बेच देते फटाक से। तो ये लोग का मान्यता क्या होती है कि जेरूसलम ही इनकी पवित्र स्थल है ज्यूस का, तो वो कहीं और क्यों जाएं, वो यहीं पे रहेंगे। तो वो काफी सारी जमीनें यहाँ पे खरीद लेते हैं, और जिनके पास उनका लीगल पेपर भी उनके पास होता है, यही लीगल पेपर आगे काम आएगा, तो आप याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं साल 1947 में, यूएन का पार्टीशन प्लान निकलता है। देखिए, अब ब्रिटिश क्या है, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है, सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले वो लोग ऐसा कुछ काम करते हैं ना, जिससे कि आगे 100 साल तक लोग लड़ते रहे। तो ये पार्टीशन प्लान देखिए निकाला गया है। इसमें देखिए, कुछ जमीन इधर दे दिया, कुछ जमीन हेर दे दिया, कुछ जमीन हेर दे दिया, तो जमीन ऐसा वैसा दिया ना कि आगे लोग लड़ते रहे आपस में। तो यहाँ पे भी इसराइल का गठन होता है, तो यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है। आप सेम इसी चीज से कल्पना कीजिए, ईरान, ईरान में पिछले 100 साल से लड़ाई चल रही है, पिछले 100 साल से लगातार। मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ईरान के आसपास पास में जो सी का एक्सेस है, इनके पास काफी ज्यादा है, पर्शियन गल्फ है, और इराक जो है वो लैंड लॉक कंट्री है, मतलब चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ है, हल्का सा बसरा पोर्ट पे उसको हल्का फुल्का सी एक्सेस है। तो जब कभी मार होती है ना, ईरान यहाँ से ब्लॉक कर देता है, ये सी का एक्सेस है, ब्लॉक कर देता है, और फिर ईरान यहाँ पे जंग छिड़ जाती है। तो मतलब हमेशा पिछले 100 साल से लगातार यहाँ पे अशांति रही है। अरे बाहर का छोड़िए, आप इंडिया का देख लीजिए, एक इधर बांग्लादेश दिया था, इधर पाकिस्तान, मतलब दो पाकिस्तान अलग अलग दे दिया था, इसको तो तोड़ के हम लोग बांग्लादेश कर दिए। तो जहां जहां पे पार्टीशन प्लान हुआ वहां बवाल हुआ, यहाँ बवाल हो गया, यहाँ पे थोड़ा इधर दिया थोड़ा इधर। 1947 में यूएन का पार्टीशन प्लान निकलता है, जिसमें माना जाता है कि इसराइल को भी उनकी जमीन देनी चाहिए, उनका पवित्र स्थल है, और पैलेस्टीन को भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये उनका पवित्र स्थल है। अब 1947 का नक्शा देखेंगे, देखिए पूरा का पूरा इलाका पैलेस्टीन है। अब 1948 तक ये कहा जाता है कि भाई इसमें आधा हिस्सा इसराइल को देना पड़ेगा, तो पैलेस्टीन सब गुस्सा जाते हैं, बोलते अरे ये कहाँ से आएगा, आज जमीन मांग रहा है, कल जेरूसलम मांगेगा, परसों बोलेगा ये जो धर्म स्थल है ये हमारा है, ये हमारा धर्म स्थल तोड़वा देगा। तो ये सब चीजें बहुत सारी एकदम जहन में घुस जाती है पैलेस्टीनियंस के। अब 1948 में इसराइल जैसा गठन होता है, और गठन के साथ साथ मार होती है। भाई साहब, एक तरफ जहाँ पैलेस्टीन है जिसका सपोर्ट के लिए 4 से ज्यादा अरब देश आते हैं, वहां पे इकलौता अकेला कमजोर इसराइल, जो कि जानता था कि आज वो हार गया तो वो ब्रह्मांड हार जाएगा, उनका धर्म खत्म हो जाएगा, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, डायनासोर की वो वही प्रजाति बन के रह जाएगा, जो कब आए थे कब चलेगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसलिए इसराइल का हर एक नागरिक, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सारे मिल के लड़ते हैं, पूरे जी जान से लड़ते हैं, अपने देश अपने वतन के लड़ते हैं, और ये मिरेकल की बात होती है कि वो सबसे जीत जाते हैं, जीत जाते हैं वो ये युद्ध बहुत भयंकर तरीके से, और वो 4 से 7 अरब देशों को एक साथ लाए थे। ये देखिए, जीत की खुशी इनके चेहरे पर दिख रही है, ये लड़की को मत देख, बहुत खतरनाक होती है सब, समझे, मतलब मचा मचा के मारती है सब। इसराइल में महिलाओं का 2 साल का मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है, और 3 साल का जो मेन के लिए ट्रेनिंग है वो कंपलसरी है। सबसे बड़ी बात, वो मुझे डायलॉग याद आ गया कि इतना भी मत डराओ कि अंदर से डर ही खत्म हो जाए। अब वापस कहानी में आते हैं, तो सन 1948 में फर्स्ट अरब इसराइल वॉर होता है, और इसराइल उसको जीत जाता है, लेकिन जो वेस्ट बैंक का इलाका है ये जॉर्डन कब्जा कर लेता है। वेस्ट बैंक में आपको जेरूसलम गया था, जेरूसलम में भी कब्जा कर लेता है। तो ये जो शेख जर्रा और ईस्ट जेरूसलम वाला जो इलाका है, इसमें जॉर्डन क्या करता है, इसमें कई सारे रेफ्यूजी कैंप्स बनाता है, कई सारे घर बनाता है शरणार्थियों के लिए, पैलेस्टीन रेफ्यूजीज के लिए, क्योंकि जब पैलेस्टीन हार जाते हैं तो तुम अक्सर से गायब होते हैं, भाई साहब ये जॉर्डन ले लिया, ये गाजा वाला इजिप्ट ले लिया, और बाकी पार्ट इसराइल ले लिया, ये जो थोड़ा बहुत छोटंगी ये जो भाग छोड़े थे वो सारा कब्जा कर लेता है। तो भैया पैलेस्टीन तो होता गायब, पैलेस्टीन बोलता है सुनिए ना, वो पहला वाला ठीक था, मतलब 50% जो आप दे रहे थे वही दे दीजिए। तो बोलता है हाँ हाँ, काहे मारे, अरे काहे मारे, पागल है क्या, पगला है कब्जा,
तो भाई 7 लाख रेफ्यूजीज, पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज, वो अपने घर से बेघर हो जाते हैं। तो उनमें से कुछ रेफ्यूजीज के लिए जॉर्डन जो है वहां पे घर बनवाता है उनके रहने होने के लिए। तो अब वो जो इलाका है शेख जर्रा का, वो जॉर्डन के अंडर में है, उसने वहां पे घर बनवाया है और वहां पे रेफ्यूजीज रह रहे हैं पैलेस्टीनियन के। अब उसके बाद 1967 में फिर से जंग छिड़ जाती है भाई साहब। उसका नाम होता है सिक्स डे वॉर। सिक्स डे वॉर में क्या होता है, एक तरफ 4 बड़े बड़े अरब देश होते हैं और दूसरी तरफ अकेला इसराइल होता है, और इसराइल ना चोखा की तरह पीस देता है इन चारों को, बुरी तरह से पीस देता है भाई साहब, और रेत देता बढ़िया से। अब फिर से ये जो वेस्ट बैंक का इलाका है ना, इसको कब्जा करता है इसराइल, वापिस से कब्जा करता है जेरूसलम पे। अब जेरूसलम में जो यहूदी ट्रस्ट की जो संपत्ति थी, वो लोग क्या करते हैं, यहूदी सेटलर्स को बेचना शुरू करते हैं, धादर यहूदी सेटलर्स को बेचना शुरू करते हैं। इनका मेन मोटिव होता है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यहूदी लोगों को बसाना, ताकि जितने ज्यादा यहूदी लोग रहेंगे तो जेरूसलम पे इनका दावा मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी बात थी। अब उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पे जॉर्डन का टाइम था तो यहाँ पे फिलिस्तीनी परिवार रह रहे थे, तो वो लोग शुरू में मान जाते हैं, बोलते हैं ठीक है आपका ही जमीन है, हमको ऐसे किराएदार की हैसियत से यहाँ पे रहने दीजिए। तो वो लोग मान जाते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में क्या होता है, वही यहूदी सेटलर्स के जिनकी जमीन है, वो लोग यहाँ बोलते हैं कि भाई तुम जमीन खाली करो यहाँ पे, अब तुम नहीं रह सकते यहाँ पे, ये हमारा इलाका है, यहाँ पे हम लोग रहेंगे। अब ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट यहूदियों के फेवर में जजमेंट सुना देता है कि भाई हाँ ये ऑटोमन काल का पेपर है और ये इस पे जो लीगली जो हक है वो यहूदियों का है, तो आपको ये जमीन खाली करनी पड़ेगी। बस अब इसी पे भैया प्रोटेस्ट शुरू होता है, वो जगह जगह पे रोड पे और फिर अलग सा मस्जिद में, मतलब जहां जहां पे वो लोग सब प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं कि हमको हमारी जमीन से बेदखल किया जा रहा है फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज के द्वारा। अब चिंगारी तो भड़क ही रही थी, 8 दिन का काम हो गया अलग सा मस्जिद से भाई साहब। मतलब अभी किसने पहले शुरू किया किसने नहीं, इस बात तक पुष्टि तो नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि भाई सबसे पहले जो है पैलेस्टीनियंस ने वहां पे पथराव शुरू कर दिया है इसराइल के नागरिकों पे। रिप्लाई में इसराइल की आर्मी ने उनके ऊपर हैंड ग्रेनेड छोड़ दिया, आंसू के गोले छोड़ दिए, और उसके बाद फिर वहां पे मस्जिद को पूरा खाली करा दिया गया। अब उसके बाद भाई साहब जो हमास है, जो ये आतंकवादी संगठन माना जाता है जो कि गाजा से ऑपरेट करता है, इसने इसराइल गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दे दिया कि एक दिन तो कटाइन देते हैं, अपनी जो आर्मी है वो हटा लो अलग सा मस्जिद से, नहीं तो हम यहाँ से रॉकेट छोड़ देंगे। और उसके फलस्वरूप देखिए 1000 रॉकेट ये लोग यहाँ छोड़ दिए, मतलब एक साथ। और उसके बाद इनका जो आयरन डोम है, आयरन डोम, उसने उनको हवा में ध्वस्त कर दिया। अब बात करते हैं कौन सही है कौन गलत है, तो देखिए ये जस्टिफाई करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो 1000 रॉकेट छोड़ता है तो हमास छोड़ता है, तो रिप्लाई करना जरूरी है। अगर रिप्लाई नहीं करेगा तो कल 2000 छोड़ेगा, परसों 5000 छोड़ेगा। और ये तो अच्छा है अगर उनका डिफेंस सिस्टम तगड़ा है, अगर सोचे डिफेंस सिस्टम तगड़ा नहीं होता तो कितने लाखों लोग चले जाते, हो सकता है उनका वजूद तक मिट जाता। अमेरिका ने भी इनका खुल के सपोर्ट किया यूएन में कि भाई ठीक है अपने डिफेंस के लिए अब लड़ रहे हो तो ये अच्छी बात है, अपने डिफेंस के लिए अगर अटैक कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यूएन ने उसने उसको बचा लिया। अब उसकी बात दूसरी बात यह है, गाजा में अगर हमला कर रहा है तो अंदर घूम क्यों कर रहा है यार, जब वो उनके पास इतना सुपर पावर्स है, मतलब एक तरह से हाईली मिलिट्री इक्विप्ड है, डिफेंस सिस्टम में तगड़ा है इसराइल का पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो उनको ऐसे अंदर फायरिंग करने की जरूरत नहीं थी। मतलब इंटरनेशनल मीडिया उसने गिरा दिया है और कितने सारे आम नागरिक बच्चे तक मारे गए उसमें, तो एक प्रॉपर टेक्निकल रूप अपना के एक प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ उनको वहां पर जाकर अटैक करना चाहिए था। तो ये सब चीजें काफी खतरनाक है, लेकिन हाँ ये ऐसा अटैक किया है अगले 20 साल तक हमास उठ नहीं पाएगा, मतलब उसका पूरी तरह से बैकबोन ही तोड़ दिया। अब गाजा पे इसराइल के भीषण अटैक के बाद 57 इस्लामिक कंट्रीज एक साथ हो गई और सब के सब मिलकर इसराइल के अगेंस्ट में जमकर कमेंटबाजी किए, ट्वीट वगैरह किए, क्योंकि भाई ये बहुत जरूरी है ट्वीट वगैरह करना, क्योंकि लड़ने से तो वैसे भी ना रहे। अब उसके बाद टर्की क्या बोलता है कि भैया हमको ना एक इंटरनेशनल आर्मी बनानी चाहिए जो कि फलस्तीन की रक्षा कर सके और इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो बोलते हो चलो सब फंडिंग करो पैसा लगाओ, तो सब एक दूसरे मुंह तकना शुरू कर दिए। तो बाद वहां पर खबर खारिज, पाकिस्तान खुल के बोला हाँ होगा चलो सपोर्ट किया जाए। सब जानते हैं पैसा तो है नहीं है, कटवाले घूमता रहता है, 2 रोटी के लिए तो मतलब टर्की का बिस्तर गर्म करता है, तो एक पास पैसा तो है नहीं है। तो क्या जैसे दिहाड़ी पे हमारे यहाँ मजदूर मिलते हैं ना, इनके यहाँ दिहाड़ी पे आतंकवादी मिलते हैं, तो भैया हर वैरायटी का आतंकवादी रखा हुआ है, गरीब से गरीब अमीर से अमीर, तो वही सप्लाई करेगा और क्या करेगा। और सबसे बड़ी बात आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि इंडिया क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा खुल के इसराइल का, जबकि इसराइल ने इतना ज्यादा इंडिया का सपोर्ट किया है, कारगिल युद्ध में उसने काफी एडवांस मिलिट्री वेपन्स वगैरह दिए हैं, तो उसको इसराइल का सपोर्ट कहाँ चाहिए। तो देखिए बात यह है ना, इसराइल अपने आप में वन मैन आर्मी है, जब इसराइल के ऊपर अटैक होता है तो वो अपने दम पे लड़ता है, मतलब किसी का सपोर्ट नहीं मांगता, रशिया का ना अमेरिका का ना किसी का मांगता है। अब उसका आयरन डोम खुद का बनाया हुआ है, उसने अपने नागरिक को जान बचा लेता है,
उसके खुद के वेपन्स इतने एडवांस है कि बचा लेता है, क्योंकि उन्होंने पहली प्रायोरिटी रखी है अपने आप को बचाने की, अपनी सुरक्षा की, अपने नागरिकों। यहाँ हमारे इंडिया में चीन विचार मिसाइल छोड़ेगा तो धरातल फोन लेना शुरू कर देंगे रशिया को। अरे पुतिन को फोन लगा रहे, हेलो हाँ पुतिन, अरे भेज में S-400 चाहिए था, हेलो अमेरिका, ओ F-35 चाहिए, चीन में पगला गया है भाई साहब। तो भाई यहाँ पे ना हम लोग एक तरह से मानना पड़ेगा, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम लोग डिपेंडेंट है दूसरी कंट्रीज पे, चाहे वो डिफेंस का मामला हो, चाहे वो व्यापार का मामला हो। देखिए हमारा जो पूरा पूरा जो तेल का बिजनेस है वो पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंडेंट है मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे। यहाँ तक कि UAE में 27% जो पॉपुलेशन है वो इंडियंस के हैं, मतलब जो हमारे भारतीय वहां पे जाते हैं काम करने के लिए। तो हमारी एम्प्लॉयमेंट जो है वो सऊदी अरब में 27% हमारी पॉपुलेशन है UAE में, तो वो लोग हमको काम दे रहे हैं, ये हमको हथियार सप्लाई कर रहा है। तो जब दोनों लोग से हमारा कोऑपरेशन बड़े चल रहा है तो हम क्यों सपोर्ट करें? अब अमेरिका सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो सुपर पावर है भाई साहब, उसके पास हर हाल में उसके पास हर चीज की सुविधा है और वो अपने आप में वन मैन आर्मी है। इसराइल वन मैन आर्मी है, लेकिन इंडिया वन मैन आर्मी अभी नहीं है। चाइना छोड़ देगा तो दिक्कत है, ये इधर से ये बवाल कर देगा तो दिक्कत है। तो हम कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंट है, इसीलिए हम खुलकर किसी भी एक कंट्री का सपोर्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पे देखिए अभी काउंसिल में देखिए इलेक्शन हुए थे तो इसमें इंडिया भी मेंबर है, इंडिया के सामने ए लगा हुआ है। ए मतलब होता है एब्सटेन, मतलब ना पक्ष में ना विपक्ष में। और जो यस कर रहा है वो मतलब इसराइल के अगेंस्ट में वोटिंग कर रहा है, और जो नो कर रहा है वो इसराइल के फेवर में। देखिए यहाँ पे विडंबना देखिए, पाकिस्तान इसराइल को देश नहीं मानता है और उसके फेवर में वो अगेंस्ट में वोटिंग कर रहा है। देखिए यस कर रहा है, चाइना यस कर रहा है, ठीक है। और चाइना यस करेगा तो रशिया यस करेगा, ही करेगा, ये दोनों आपस में भाई भाई है। तो मतलब एक तरह से ना आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है इस इंडिया का सपोर्ट का दोनों कंट्री में, वो दोनों आपस में उन लोगों के बीच में चल रहा है। तो हमको तो बिजनेस है, इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे बड़ा चीज होता है वो है बिजनेस। और दूसरा मेन रीजन है UN में परमानेंट मेंबर। देखिए क्या है UN में, क्या है ना 196 सीट्स हैं, उसमें 130 सीटें अगर हमको मिल गई तो हम उसमें बन जाएंगे परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर मतलब वो 5 मेंबर जिसमें जिसके पास है वीटो पावर, जो कि बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। वीटो पावर की वजह से ही अभी तक UN कुछ कर नहीं पा रहा, कठपुतली बना हुआ है। तो उसमें क्या है ना, एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसके डिप्लोमेसी में भी हमारा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि 57 इस्लामिक मेंबर को अगर हम नाखुश कर देंगे तो हम यहाँ पे नहीं जीत पाएंगे, मतलब 130 सीटें लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा 193 में से। तो ये बात तो है, लेकिन अगर हम इसको ले भी लेते हैं ना तो भी हर हाल में इन 5 कंट्री में से कोई ना कोई जरूर रिपीट ठोक देगा। देखिए रशिया नहीं ठोकेगा, फ्रांस नहीं ठोकेगा, लेकिन अमेरिका कुछ कह नहीं सकते, चाइना तो पक्का ठोक देगा, और कोई एक ही ठोक दिया तो फिर वो खत्म, तो परमानेंट सदस्यता कैंसिल हो जाएगी। तो अभी तो परमानेंट मेंबरशिप में तो बहुत ही लंबा टाइम है, लेकिन मेन जो इसका प्रॉब्लम है वो है बिजनेस। हमारे UAE और इससे तेल का बिजनेस सबसे ज्यादा है, और हमारे जो इंडिया के जो लोग हैं वो वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में काम कर रहे हैं। सबसे मेन ये दो रीजन है, यही दो रीजन की वजह से हम नहीं कुछ उनके फेवर में बोल पा रहे। और वैसे बोलना भी नहीं है, दोनों ही साइड से गलतियां हैं, और सबसे बड़ी गलती तो भाई साहब UN की है। UN 1948 में जब दोनों मार कर रहे थे उसी टाइम पे वो चीज को सुलझा दिया था कि जब हमने इंटरनेशनल बाउंड्री सेट कर दी है तो तुम लोगों को बीच में कुछ कर ही सकते, तुम लोगों को लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है, अपनी आर्मी भेजनी चाहिए थी। लेकिन ये कठपुतली है भाई साहब, ये वीटो पावर यहाँ पे ठोक कर गलत यूज किया जा रहा है। वीटो पावर का यूज होकर चाहे तिब्बत पे कब्जा कर लिया, साइचिन ले लिया, ये पाकिस्तान POK ले लिया, UN बीच में आया, कभी नहीं आया भाई साहब। तो UN का कहीं ना कहीं इसमें सुधार की जरूरत, संशोधन की जरूरत है। वीटो पावर अगर आप रख रहे हो तो 5 में से एटलीस्ट 3 या 4 लोगों का समर्थन चाहिए, तभी जाके हम वीटो पावर को एप्लीकेबल मानेंगे। अगर ऐसे ही वीटो पावर का मिसयूज होता रहा तो जल्दी World War III हो जाएगा, क्योंकि जो 5 परमानेंट मेंबर है कौन कौन से, ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना, रशिया और आपका फ्रांस, ये 5 के पास वीटो पावर है, फटाक से ये लोग ठोक देंगे और शांति भंग हो जाएगी। मतलब चाइना कल को इंडिया पे कब्जा कर लेगा, UN के पास हम लोग जाएंगे कि भाई UN ये गांवों को जमीन पे कब्जा कर रहा है, आप शांति प्रदान करो, आप इनको पीछे खदेड़ो। ये लोग जैसे जाएंगे चाइना वीटो ठोक देगा, भैया ये खत्म, इनका काम खत्म, चाइना खत्म, इंडिया को कब्जा कर लेगा। ऐसे देखो ये 5 देश के हाथ में पूरा वर्ल्ड के लोग कब्जा कर लेंगे अगर मिसयूज करना चाहे तो कहीं ना कहीं वीटो में संशोधन करने की जरूरत है। तो दोस्तों होप आपको आज की पूरी टॉपिक समझ में आ गई होगी, समझ में आ गया होगा इंडिया क्यों सपोर्ट नहीं कर पा रहा कुल का। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।